नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कटिवस्थि के बारे में। कमर का दर्द शताब्दियों से एक आम समस्या बना हुआ है। आजकल की भागदौड़ वाली जीवनशैली, आहार विहार आदि के कारण तथा मुख्यतः मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि ओबेसिटी या जो हम लोग यात्रा करते हैं, यात्रा के मोड ऑफ जो ट्रैवल हैं वो डिफरेंट हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोग का सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का होना, हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें भी हम लोग सुबह से लेकर शाम तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। हम लोग उसमें मालिश वगैरह भी कर जैसे पहले हम लोग करते थे वो भी नहीं करते हैं। इसके कारण से कमर का दर्द एक आम समस्या है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी कमर के दर्द का एहसास जीवन में जरूर हुआ होगा। इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसको हम कटिवस्थि कहते हैं। इसमें हम लोकल स्वेदन और अभिंगम होता है। इसमें गर्म तेल को एक निश्चित अवधि के लिए लंबर या लंबोसैक्रल रीजन्स पे धारण करना होता है। इससे वहाँ पर न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, लुब्रिकेशन हो जाता है और उन जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। कटिवस्थि का प्रयोग हम लो बैकेक या जहाँ पे लंबर रीजन में पेन होता है वहाँ पे हम कर सकते हैं। लंबैगो में इसका इंडिकेशन है। इसके अलावा शाटिक पेन या शाटिका में इसका इंडिकेशन है। लंबर स्पॉन्डोलाइटिस में इसका इंडिकेशन है। लंबर स्पॉन्डोलिथियासिस में इसका इंडिकेशन है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें 3 वेसल से 3 कटोरी की ज़रूरत पड़ती है, 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ती है, 1 अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, उड़द की दाल के आटे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो भी औषधीय तेल जिससे हमें कटिवस्थि करनी है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम जो तेल यूज़ कर सकते हैं उसमें है निर्गुंडी का तेल है, महानारायण तेल है, महामार्श तेल है, दशमूल का तेल है, तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, कोटम चुकियादी तेल है, मुरविन्ना तेल आदि, जो भी हमें प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स उस तेल का प्रयोग हमें करना है। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए 3 स्तर होते हैं, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। अब हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव के बारे में। इसमें हम पेशेंट्स से कहेंगे कि अपने मलमूत्र आदि का विसर्जन कर लें। उसके बाद हम लोकल एरिया जैसे कि लंबोसैक्रल एरिया पे हम अभिंगम किसी भी तेल से हम वहाँ पे मालिश कर देंगे 10 से 15 मिनट और 10 से 15 मिनट हम वहाँ पे लोकल स्टीम या नाड़ी स्वेदन कर देंगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिव प्रोसेस की। इसमें हम रोगी को एक बेंच पे या द्रोणी पे पेट के बल डाल देते हैं। फिर हम माश की पिस्टी या उड़द की दाल की एक पिस्टी बनाते हैं। उसमें जहाँ पे पेन हो रहा होता है पेशेंट्स को 4 इंच की सरकमफ्रेंस में एक ऑलवॉल बनाते हैं जो कि 2 इंच ऊंची और 2 इंच चौड़ी होनी चाहिए और अच्छी तरीके से उसमें टैपिंग कर देते हैं जिससे कि तेल लीक ना हो। तेल को गर्म तेल को करने के लिए हमें इनडायरेक्ट हीटिंग करनी चाहिए, डायरेक्ट तेल को गर्म नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए हमें एक वाटर वेसल में हम तेल को गर्म करेंगे और तेल को गर्म करने के बाद में ऑलवॉल में दीवार के सहारे से उस ऑयल को हम डालेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि कहीं उसको बेरेबल है या नहीं है, कहीं वो जल तो नहीं जा रहा है। और उस ऑयल के टेम्परेचर को हमें प्रिस्क्राइब टाइम 30-45 मिनट्स के लिए हमें उसको रेगुलेट करना है या मेंटेन करना है। जो ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए वो 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस की। इसमें हम तेल को रुई की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के छान के उसको एक वेसल में इकट्ठा करके रख लेते हैं। इस तेल को हम 3-4 बार और यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को इसके बाद कहना है कि किसी हार्ड बेड पे पतले रुई के गद्दे पे वो आराम करें, वो डायरेक्टली एयर के कॉन्टैक्ट में या धूप के कॉन्टैक्ट में ना जाएं। अब हम बात करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस इस प्रोसेस में हमें रखनी चाहिए। इसमें हमें देखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, कहीं इससे पेशेंट जल ना जाए। टैपिंग सही से हो, कहीं लीकेज ना हो जिससे कि कहीं तेल ना निकल रहा हो। और पेशेंट से कहना है कि वो हिले डुले ना जब वो प्रोसेस चल रहा हो, कि हिले डुलने से तेल निकल सकता है। कटिवस्थि में हम लोकल अभिंगम स्वेदन करते हैं। इसके कारण लोकल ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, वहाँ पे स्वेलिंग कम होती है। स्वेलिंग कम होने से किसी नर्व पे अगर प्रेशर पड़ रहा होता है तो वो रिलीज होता है, स्टिफनेस कम होती है और वहाँ पे मसल मूवमेंट भी बढ़ता है। अभी हमने आपको जो कटिवस्थि का उपाय बताया है आप उसका उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।